हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संदीप्स बायोलॉजी। हम बात कर रहे थे फैटी एसिड के बायोसिंथेसिस के बारे में। ये प्रोसेस होती है थ्री डिफरेंट स्टेजेस में, स्टेज वन एंड स्टेज टू के बारे में मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है प्रीवियस वीडियोस में। अगर आपको वो वीडियोस देखने हैं तो लिंक आई बटन में प्रेजेंट है, एज वेल एज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी प्रेजेंट है। इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ स्टेज थ्री के बारे में, जो कि है रिएक्शंस ऑफ फैटी एसिड सिंथेस कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पर फैटी एसिड सिंथेस कॉम्प्लेक्स क्या है, किस तरह के रिएक्शंस वो कैटेलाइज करते हैं एंड किस तरह से फैटी एसिड का मॉलिक्यूल सिंथेसाइज होता है, ये मैं डिस्कस करूंगा। तो मैंने यहाँ पर फैटी एसिड सिंथेस कॉम्प्लेक्स का डायग्राम बनाया है। ये एक मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स है। मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स का मीनिंग ये हुआ कि यहाँ पर एक से ज्यादा एंजाइम प्रेजेंट होंगे एक सिंगल यूनिट में। ये कॉम्प्लेक्स डाइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, यानी कि दो मोनोमर एक साथ जुड़कर डाइमर बनाते हैं एंड डाइमर के फॉर्म में ये फैटी एसिड सिंथेस कॉम्प्लेक्स यानी कि FAS कॉम्प्लेक्स एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पर इस डाइमर के ये एक मोनोमर है एंड ये दूसरा मोनोमर है। ये दोनों मोनोमर जुड़कर डाइमर बनाते हैं एंड सिंगल मोनोमर यानी कि ये एक मोनोमर सेवन डिफरेंट एंजाइम एक्टिविटीज पजेस करता है। तो ये सेवन डिफरेंट एंजाइमेटिक एक्टिविटी यहाँ पर है, कीटो एसाइल सिंथेस, एसिटाइल ट्रांस एसाइलेज, मेलोनाइल ट्रांस एसाइलेज, डिहाइड्रेटेज, इनोल रिडक्टेज, कीटो एसाइल रिडक्टेज एंड ACP यानी कि एसाइल कैरियर प्रोटीन। एंड दूसरा मोनोमर है वो भी सेम पर एंटी पैरेलल डायरेक्शन में होता है, यानी कि ये सारी एंजाइमेटिक एक्टिविटी जो है वो इस मोनोमर से एंटी पैरेलल डायरेक्शन में अरेंज है एंड यहाँ पर थायोएस्टरेज भी प्रेजेंट है। तो ये जो ब्लू डॉटेड लाइन है वो सब यूनिट डिवीजन इंडिकेट कर रही है, यानी कि ये एक मोनोमर एंड ये दूसरा मोनोमर। एंड ये ब्लैक डॉटेड लाइन है वो फंक्शनल डिवीजन इंडिकेट कर रही है। इनका मीनिंग ये हुआ फंक्शनल डिवीजन का कि ये अगर डाइमर है डिसोसिएट हो जाए, यानी कि दो मोनोमर सेपरेट हो जाए, अगर आप इस डाइमर को डिसोसिएट कर देते हो एंड दो मोनोमर्स सेपरेट कर देते हो तो वो फंक्शनली एक्टिव नहीं रहेंगे। ये डाइमर के फॉर्म में ही फंक्शनली एक्टिव रहते हैं। यहाँ पर ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ पर एक मोनोमर के ये तीनों एंजाइम एंड दूसरे मोनोमर के ये चार एंजाइम दोनों साथ में मिलकर वर्क करते हैं, ठीक है। तो ये तीन एंजाइम एंड ये चार एंजाइम मिलकर एक फंक्शनल यूनिट बनाते हैं एंड यहाँ पर आप देखें तो ये सेकेंड वाले मोनोमर के ये तीन एंजाइम इस चार एंजाइम यानी कि ये दूसरे मोनोमर के ये चार एंजाइम के साथ मिलकर वर्क करते हैं। तो ये दूसरा फंक्शनल यूनिट है। तो अगर आप इससे डिसोसिएट कर देते हो, इस दोनों मोनोमर को सेपरेट कर देते हो, तो वो फंक्शनली एक्टिव नहीं रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये सातों एंजाइमेटिक एक्टिविटी एक दूसरे के साथ कंप्लीमेंट्री एक्ट करती है। ये तीनों दूसरे मोनोमर के जो चारों एंजाइमेटिक एक्टिविटी है उनके साथ में वर्क करके फंक्शनल यूनिट बनाती है। तो यहाँ पर सिंपली मीनिंग ये हुआ कि ये डाइमर के फॉर्म में ही फंक्शनल है, मोनोमर के फॉर्म में फंक्शनल नहीं है। एक और बात यहाँ पर ये है कि जो एसाइल कैरियर प्रोटीन है उनके 4' फॉस्फोपेंटेथेन के साथ में सल्फाहाइड्रिल ग्रुप्स होते हैं एंड यहाँ पर कीटो एसाइल सिंथेस इनके 60 जो रेसिड्यू है उनके सल्फाहाइड्रिल ग्रुप दोनों क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होते हैं। यहाँ पर भी सेम है, ये सल्फाइड्रिल ग्रुप सिस्टीन के एंड ACP के 4' फॉस्फोपेंटेथेन के सल्फाइड्रिल ग्रुप दोनों क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है। तो ये दोनों साइट है जहाँ पर फैटी एसिड अटैच होगा एंड बाद में जो हाइड्रोकार्बन चेन है फैटी एसिड की वो ग्रो होगी। तो यहाँ पर भी एक दोनों साइट है, यहाँ पर भी दोनों साइट है, यानी कि दो फंक्शनल यूनिट प्रेजेंट है एंड ये एक जो मॉलिक्यूल है फैटी एसिड सिंथेस कॉम्प्लेक्स का एक डाइमर है वो एक साथ में दो फैटी एसिड के सिंथेसाइज कर सकता है, दो फैटी एसिड सिंथेसाइज कर सकता है, यानी कि ये एक सिंथेसिस कर रहा है एक फैटी एसिड का मॉलिक्यूल एंड ये दूसरे फैटी एसिड के मॉलिक्यूल का सिंथेसिस कर रहा है
यानी कि एक साथ में दो फैटी एसिड के मॉलिक्यूल का सिंथेसिस हो सकता है। तो ये दोनों साइट है जहां पर फैटी एसिड का मॉलिक्यूल का सिंथेसिस होगा। तो अभी हम देखते हैं कि किस प्रकार से फैटी एसिड के मॉलिक्यूल का सिंथेसिस होता है। यहाँ पर 6 डिफरेंट रिएक्शंस है। अगर आप बीटा ऑक्सीडेशन प्रॉपर की बात करें तो वहां पर 4 ही रिएक्शंस थे, यानी कि अगर फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन होता है तो बीटा ऑक्सीडेशन प्रॉपर में 4 ही रिएक्शन है, पर अगर सिंथेसिस करना है तो यहाँ पर 6 डिफरेंट रिएक्शन है। तो सिंपल सी बात है, अगर आपको कुछ तोड़ना है और कुछ जोड़ना है तो जोड़ने में ज्यादा एफर्ट लगेगा आपको तोड़ने के मुकाबले। सो सिंपली यहाँ पर 6 रिएक्शंस होते हैं एंड 6 रिएक्शन के बाद में फैटी एसिड का मॉलिक्यूल सिंथेसाइज होता है। तो देखेंगे हम किस तरह से फैटी एसिड का मॉलिक्यूल सिंथेसाइज होता है। हमने देखा कि फैटी एसिड सिंथेस कॉम्प्लेक्स में 2 फंक्शनल यूनिट होते हैं एंड दोनों फंक्शनल यूनिट के पास 2 साइट्स होती है, यानी कि सिस्टीन के सल्फाहाइड्रिल ग्रुप एंड जो SR कैरियर प्रोटीन है उन पर 4 प्राइम फॉस्फोपेंटेथेइन है, उनके सल्फाहाइड्रिल ग्रुप, ये दोनों साइट पर फैटी एसिड का सिंथेसिस होता है। तो यहाँ पर मैं ये दोनों साइट रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कुछ इस तरह से। तो ये हो गया सिस्टीन एंड ये SR कैरियर प्रोटीन, ये दोनों के सल्फाहाइड्रिल ग्रुप, जैसे कि हमने देखा था जस्ट अभी कि ये दोनों के सल्फाहाइड्रिल ग्रुप्स क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होते हैं एंड ये दोनों वो साइट है जहाँ पर फैटी एसिड सिंथेसिस होता है। तो हमारा जो फाइनल गोल है, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में ये सारी प्रोसेस हो रही है एंड कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनाना है। तो ये फैटी एसिड का सिंपल स्ट्रक्चर है। यहाँ पर ये है कार्बोक्सिलिक एसिड जो कि फंक्शनल ग्रुप है एंड R यानी कि हाइड्रोकार्बन चेन। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से होगी हाइड्रोकार्बन चेन, डिपेंड करता है कि कितने कार्बन कंटेनिंग फैटी एसिड का मॉलिक्यूल है। तो हमें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाना है। तो सबसे पहले यहाँ पर ACP वाले सल्फाहाइड्रिल ग्रुप पर इस साइट पर एसिटाइल कोएंजाइम A में से 2 कार्बन फ्रेगमेंट यहाँ पर ट्रांसफर हो गए एंड ये जो भी कार्बन फ्रेगमेंट्स है, ये कार्बन फ्रेगमेंट के डोनर है एसिटाइल कोएंजाइम A या फिर मेलोनाइल कोएंजाइम A। तो फर्स्ट 2 कार्बन फ्रेगमेंट आते हैं एसिटाइल कोएंजाइम A में से एंड बाकी के कार्बन जो है वो आते हैं मेलोनाइल कोएंजाइम A में से। तो हमने सेकेंड स्टेज में देखा था कि एसिटाइल कोएंजाइम A का मेलोनाइल कोएंजाइम A में कन्वर्जन होता है। तो मेलोनाइल कोएंजाइम A में से बाकी के फर्स्ट 2 के अलावा बाकी के सारे फ्रेगमेंट्स होते हैं फैटी एसिड में मेलोनाइल कोएंजाइम A में से आए हुए। तो यहाँ पर चलिए देखते हैं कि किस तरह से रिएक्शन होता है। तो ये रहा एसिटाइल कोएंजाइम A का मोलिक्यूल सिक्स रिएक्शन होते हैं, हमने जस्ट अभी डिस्कस किया था। तो यहाँ पर से ये दोनों कार्बन फ्रेगमेंट ट्रांसफर होंगे यहाँ पर ACP पर एंड ये 2 कार्बन फ्रेगमेंट जो है वो फर्स्ट 2 कार्बन फैटी एसिड के है, बाकी के जो सारे कार्बन होंगे वो मेलोनाइल कोएंजाइम A में से आएंगे। तो यहाँ पर ट्रांसफर होंगे ACP के सल्फाइडल ग्रुप पर, बाद में ट्रांसफर होंगे सिस्टीन पर एंड ये साइट वैकेंट हो जाएंगी। तो चलिए देखते हैं किस तरह से होता है ये रिएक्शन। तो यहाँ पर कोएंजाइम A तो रिलीज हो जाएगा एंड कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होगा। तो ये आ गया यहाँ पर ये 2 कार्बन फ्रेगमेंट्स एसिटाइल कोएंजाइम A के। एंजाइम वर्क करता है इस रिएक्शन को कैटलाइज करने वाला, जो कि फैटी एसिड सिंथेस कॉम्प्लेक्स के मल्टी एंजाइम में से ही एक है, जो कि है ट्रांस एसाइलेज। यहाँ पर एसाइल मोइटी ट्रांसफर हो रही है इसलिए एंजाइम का नाम है ट्रांस एसाइलेज। एंड कहाँ से कहाँ पर ट्रांसफर हो रहा है, तो एसिटाइल कोएंजाइम A में से ACP पर। तो एंजाइम का नाम लिखेंगे हम एसिटाइल कोएंजाइम A ACP ट्रांस एसाइलेज। अभी जैसे कि मैंने बताया था कि ये दोनों कार्बन फ्रेगमेंट फिर यहां पर इस साइट पर ट्रांसफर हो जाएंगे एंड ये ACP वाली साइट वैकेंट हो जाएंगी। तो जस्ट ट्रांसफर होंगे सिस्टीन वाली साइट पर
एंड एसीपी वाली साइट वैकेंट हो चुकी है। अभी एसीपी वाली साइट पर मेलोनाइल कोएंजाइम ए में से मेलोनाइल मोइटी है वो ट्रांसफर होगी, क्योंकि पहले के दो फ्रेगमेंट है वो एसिटाइल कोएंजाइम ए में से आए हैं, हमने डिस्कस किया था, बाकी के सारे फ्रेगमेंट्स आएंगे मेलोनाइल कोएंजाइम ए में से। तो मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ मेलोनाइल कोएंजाइम ए का स्ट्रक्चर, कुछ इस तरह से है मेलोनाइल कोएंजाइम ए। तो ये हो गया मेलोनाइल कोएंजाइम ए। तो अभी जो वैकेंट एसीपी वाली साइट है वहां पर मेलोनाइल मोइटी ट्रांसफर होगी, तो ये जो है वो मेलोनाइल मोइटी है, ओके, कोएंजाइम ए रिलीज हो जाएगा एंड ये पूरी मोइटी यहां पर ट्रांसफर हो जाएगी एंड हमें मिलेगा कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर। सिस्टीन पर तो ऑलरेडी एसिटाइल कोएंजाइम ए में से आए हुए ड्रो कार्बन फ्रेगमेंट तो है ही, अभी ये ट्रांसफर हो गए यहाँ पर, तो जो भी ब्लू कलर वाले कार्बन से वो कार्बन होंगे मेलोनाइल कोएंजाइम ए में से आए होंगे, तो ये कार्बन हो गए मेलोनाइल कोएंजाइम ए में से आए हुए कार्बन, ठीक है। अभी फैटी एसिड के स्ट्रक्चर आप देखें तो फैटी एसिड के स्ट्रक्चर में कार्बोक्सिलिक एसिड जो फंक्शनल ग्रुप है वहां पर ही सिर्फ ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, इनके अलावा यानी कि आर जो है हाइड्रोकार्बन चेन है वहां पर ऑक्सीजन नहीं होता, फिर तो अगर ऑक्सीजन होगा फिर तो वो फैटी एसिड का स्ट्रक्चर बनेगा ही नहीं। तो यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड के अलावा कहीं पर भी हमें ऑक्सीजन चाहिए नहीं, इसीलिए हम रिमूव कर देंगे ऑक्सीजन को जो प्रेजेंट है यहाँ पर। तो यहाँ पर से ये COO है वो कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में रिमूव हो जाएगा, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप के अलावा कहीं पर भी ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता फैटी एसिड के स्ट्रक्चर में। तो ये हो गया फर्स्ट रिएक्शन, ये है सेकेंड रिएक्शन एंड यहाँ पर एंजाइम वर्क करता है वो है मेलोनाइल कोएंजाइम ए एसीपी ट्रांस एसाइलेज। तो इस स्टेप को कैटेलाइज करने वाला एंजाइम मेलोनाइल कोएंजाइम ए एसीपी ट्रांस एसाइलेज एंड ये जो स्ट्रक्चर है उनका नाम है एसाइल मेलोनाइल एंजाइम। तो मैं स्ट्रक्चर एज इट इज यहां पर बना रहा हूं, फिर देखेंगे कि किस तरह से डीकार्बोक्सिलेशन होगा और ये कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगा। तो मैं एज इट इज ये स्ट्रक्चर बना रहा हूं यहां पर। तो अभी कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाएगा CO2 के फॉर्म में एंड ये जो दो कार्बन फ्रेगमेंट है वो यहां पर ट्रांसफर हो जाएंगे, तो कुछ इस तरह से हमें मिलेगा। यहां पर जो कार्बन फ्रेगमेंट थे वो यहां पर आ जाएंगे ऑक्सीजन हो गया है रिमूव एंड जो एसिटाइल के दो कार्बन फ्रेगमेंट थे जो कि हमें ट्रांसफर किए थे वो आ जाएंगे यहां पर। तो ये स्ट्रक्चर का नाम है बीटा कीटो एसाइल एसीपी, ये फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप के बाजू वाला कार्बन है अल्फा कार्बन एंड ये है बीटा कार्बन, तो बीटा पोजीशन पर कीटो ग्रुप है इसीलिए इस स्ट्रक्चर का नाम है बीटा कीटो एसाइल एसीपी। अभी जस्ट हमने अभी डिस्कस किया कि फंक्शनल ग्रुप के अलावा ऑक्सीजन नहीं होता फैटी एसिड के स्ट्रक्चर में, तो यहाँ पर ये तो फंक्शनल ग्रुप है पर यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो हमें रिमूव करना पड़ेगा, तो वो किस तरह से आगे रिएक्शन में रिमूव होगा वो हम देखेंगे। यहाँ पर जो एंजाइम वर्क करता है वो है बीटा कीटोएसाइल एसीपी सिंथेस, क्योंकि बीटा कीटोएसाइल एसीपी का सिंथेसिस कर रहा है इसलिए एंजाइम है बीटा कीटोएसाइल एसीपी सिंथेस।
तो अभी नेक्स्ट रिएक्शन में हमें ये ऑक्सीजन रिमूव करना है, क्योंकि फैटी एसिड के स्ट्रक्चर में हाइड्रोकार्बन चेन में कहीं पर भी ऑक्सीजन नहीं होता। तो पहले तो हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन हमें आगे रिमूव किया था कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में किया था, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये ऑक्सीजन हम रिमूव करेंगे H2O के फॉर्म में। तो सेल के अंदर H2O के फॉर्म में ये रिएक्शन के दौरान ऑक्सीजन रिमूव होता है। तो सबसे पहले H2O के फॉर्म में ऑक्सीजन रिमूव करने के लिए हमें रिडक्शन करना होगा। यहाँ पर एक H एंड यहाँ पर एक H ऐड करना पड़ेगा। तो इस प्रोसेस को, यानी कि हाइड्रोजन अगर आप किसी मॉलिक्यूल में ऐड करते हो, इस प्रोसेस को कहा जाता है रिडक्शन। तो अभी नेक्स्ट स्टेप है वो है रिडक्शन, एंड रिडक्शन का जो हाइड्रोजन डोनर है इस प्रोसेस का वो है NADPH एंड H प्लस। तो NADPH मेनली पेंटोज फॉस्फेट पाथवे या फिर एक्सोज मोनोफॉस्फेट संस से प्रोड्यूस होता है, और वो फैटी एसिड के बायोसिंथेसिस में यूज होता है। इसीलिए इस प्रोसेस को कहा जाता है रिडक्टिव बायोसिंथेसिस, क्योंकि यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, और रिडक्शन हो रहा है बीटा कार्बन पर। तो ये प्रोसेस को रिडक्टिव बायोसिंथेसिस कहा जाता है। और NADPH एंड H प्लस कन्वर्ट हो जाएगा NADP प्लस में। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से रिडक्शन होता है। तो बीटा कार्बन पर क्या होगा, एक H यहां पर एंड एक यहां पर इंट्रोड्यूस होगा, ठीक है। एक यहां पर ये वाला एंड एक यहां पर, दो हाइड्रोजन ऐड किए, और ये प्रोसेस रिडक्शन है। तो यहां पर जो एंजाइम वर्क करेगा वो जाना जाएगा रिडक्टेज के नाम से, एंड रिडक्शन हो रहा है बीटा कीटोएसाइल एसीपी का। तो एंजाइम का नाम है बीटा कीटोएसाइल एसीपी रिडक्टेज, एंड ये मॉलिक्यूल जो बना ये हो गया अल्फा कार्बन, एंड ये कार्बन है बीटा कार्बन। तो बीटा कार्बन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, इसीलिए इसका नाम है बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल एसीपी। अभी जो नेक्स्ट रिएक्शन है, अभी हम H2O के फॉर्म में ये ऑक्सीजन भी रिमूव कर सकते हैं। ये OH एंड यहाँ से एक H रिमूव होगा, तो हम रिमूव कर सकते हैं H2O के फॉर्म में ऑक्सीजन। तो नेक्स्ट जो भी रिएक्शन है वो होगा डिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन होगा एंड कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा। तो ये यहां से एक H एंड एक H यहां से रिमूव होगा, एंड ये जो स्ट्रक्चर बना उनका नाम है डेल्टा टू ट्रांस। ये डबल बोल्ड ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन में डेल्टा टू ट्रांस इनोइल एसीपी, एंड इस एंजाइम का नाम है जो इस रिएक्शन को कैटलाइज करता है वो है बीटा हाइड्रोक्सीएसाइल एसीपी डिहाइड्रेटेज, बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल एसीपी डिहाइड्रेटेज। एंड डिहाइड्रेशन है इसलिए यहां पर वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा। अभी आप देख सकते हैं कि फंक्शनल ग्रुप के अलावा जो भी ऑक्सीजन था वो तो एंजाइमेटिक एक्टिविटी के द्वारा रिमूव हो चुका है। अभी ये डबल बॉन्ड है वो रिमूव करना है, यानी कि हम जो फैटी एसिड सिंथेसाइज कर रहे हैं वो सैचुरेटेड फैटी एसिड है, इसीलिए हमें डबल बॉन्ड रिमूव करना होगा। तो फिर से रिडक्शन करेंगे, यहाँ पर एक हाइड्रोजन ऐड कर देंगे, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, यानी कि अल्फा एंड बीटा कार्बन, ये दोनों कार्बन पर जो डबल बॉन्ड थे वहाँ पर एक एक हाइड्रोजन ऐड कर देंगे, यानी कि ये हो जाएगा CH2CH2। तो ये जो प्रोसेस है वो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। तो एक हाइड्रोजन दोनों कार्बन पर, यानी कि अल्फा एंड बीटा कार्बन पर ऐड हो जाएगा, तो कुछ इस तरह से हमें मिलेगा।
और यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड करना मींस रिडक्शन करना, और रिडक्शन होता है जो रिडक्शन के हाइड्रोजन एटम का डोनर है वो है NADPH। तो NADPH एंड H प्लस यूज होगा एंड NADP प्लस प्रोड्यूस होगा, एंड NADPH जो प्रोड्यूस होते हैं पेंटोज फॉस्फेट पाथवे में से, वो यहाँ पर रिडक्टिव बायोसिंथेसिस में यूज होते हैं। तो अभी डबल बॉन्ड भी रिमूव हो चुका है। एंजाइम की बात करें तो एंजाइम यहाँ पर वर्क करता है इनोइल एसीपी रिडक्टेज। इस स्टेप को कैटेलाइज करने वाला एंजाइम है इनोइल एसीपी रिडक्टेज। तो अभी आप देख सकते हैं कि फैटी एसिड का मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो चुका है। ये 1, 2, 3, 4 कार्बन कंटेनिंग फैटी एसिड है। अगर हमें बनाना है लंबा फैटी एसिड का मॉलिक्यूल, मान लीजिए कि 16 कार्बन कंटेनिंग पामिटिक एसिड बना रहे हैं, तो ये प्रोसेस फिर से रिपीट करने पड़ेगी। तो प्रोसेस रिपीट करने के लिए हमें ये एसीपी वाली साइट वैकेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में एसीपी वाली साइट वैकेंट हो जाएगी एंड ये जो पूरा का पूरा हाइड्रोकार्बन चेन है वो ट्रांसफर हो जाएगा यहाँ पर 16 वाली साइट पर, ताकि एसीपी वाली साइट पर फिर से रिएक्शन हो सके। ओके, एसीपी वाली साइट वेकेंट है एंड यहां पर ये ट्रांसफर हो चुका है। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये जो स्टेप है एंड ये वाला स्टेप, ये दोनों स्टेप सिमिलर है। यहां पर भी एसीपी वाली साइट वेकेंट है, यहां पर भी एसीपी वाली साइट वेकेंट है, यहां पर 2 कार्बन फ्रेगमेंट है 16 पर एंड यहां पर 16 पर 4 कार्बन फ्रेगमेंट है। तो अभी 2 से लेकर के सारे स्टेप, यानी कि ये सेकेंड स्टेप है, ये थर्ड स्टेप, ये वाला फोर्थ स्टेप, ये फिफ्थ स्टेप एंड ये वाला सिक्स्थ स्टेप, 2 से लेकर के 6 तक के स्टेप फिर से रिपीट होंगे एंड फिर से यहाँ पर 4 की जगह पर 6 कार्बन वाला फ्रेगमेंट अटैच होगा, ठीक है। फिर से अगेन रिपीट होगा, फिर से 4 की जगह पर 6 की जगह पर 8, इस तरह से 2-2 कार्बन फ्रेगमेंट ऐड होते जाएंगे। तो जितना भी फैटी एसिड का, जितना लंबा फैटी एसिड का मॉलिक्यूल सेल को सिंथेसाइज करना होगा, उतनी बार ये प्रोसेस रिपीट करनी पड़ेगी। तो हमने पहले भी देखा था कि फैटी एसिड का बायोसिंथेसिस सिक्वेंशियली 2-2 कार्बन फ्रेगमेंट ऐड हो करके होता है। इसीलिए नेचर में जो भी अवेलेबल फैटी एसिड है वो इवन कार्बन फैटी एसिड है। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ रिएक्शंस 2-2-6 रिपीट्स 6 टाइम हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, यानी कि सेल के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है पामिटिक एसिड का मॉलिक्यूल जो कि 16 कार्बन कंटेनिंग फैटी एसिड है। तो इसके लिए यहाँ पर स्टेप्स यानी कि रिएक्शंस 2-2-6 रिपीट्स 6 टाइम्स एंड 6 बार रिपीट होने के बाद कुछ इस तरह से हमें मिलेगा। CH2-13 तो यहां पर आप काउंट करें कार्बन, तो ये 2, ये 13 यानी कि 14 एंड 15 एंड ये वाला कार्बोक्सिलिक एसिड वाला 16 कार्बन। तो 16 कार्बन कंटेनिंग फैटी एसिड प्रोड्यूस हो चुका है, अभी भी वो अटैच है एसीपी वाली साइट पर। तो थायोएस्टरेस एंजाइम की हेल्प से ये बॉन्ड ब्रेक होता है एंड फैटी एसिड फिर डिटैच हो जाता है साइट से। तो यहाँ पर 16 कार्बन कंटेनिंग पामिटिक एसिड सिंथेसाइज करने के लिए स्टेप नंबर 2-6 6 टाइम रिपीट करने होंगे, यानी कि टोटल जो भी रिएक्शंस होंगे वो 7 टाइम्स होंगे। एक बार तो हमने किया था, फिर 6 बार रिपीट किया, तो टोटल 7 टाइम्स ये सारे रिएक्शंस रिपीट होंगे एंड एट द एंड ऑफ द होल द रिएक्शंस
16 कार्बन कंटेनिंग पामेटिक एसिड सिंथेसाइज होगा। तो अभी देखते हैं कि किस तरह से अटैच डिटैच होता है, यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होकर। तो एंजाइम वर्क करता है वो थायोएस्टरेज एंड ये फैटी एसिड सिंथेस कॉम्प्लेक्स की जो दो साइट थी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में थी वो वैकेंट हो गई एंड यहाँ पर हमें मिल गया कुछ इस तरह का मॉलिक्यूल। पहले के दो कार्बन थे जो कि ब्लैक कलर में मैंने लिखे वो एसिटाइल कोएंजाइम एएमए से आए हुए कार्बन थे एंड फैटी एसिड में बाकी के सारे कार्बन होते हैं वो मेलोनाइल कोएंजाइम एएमए से आए हुए कार्बन होते हैं, यानी कि जो मिथाइल एंड वाले शुरुआत के दो कार्बन है वो एसिटाइल कोएंजाइम ए के कार्बन है एंड बाकी के ब्लू कलर में लिखे हुए जो भी कार्बन है वो होते हैं मेलोनाइल कोएंजाइम एएमए से आए हुए कार्बन। तो यहाँ पर ये सारे कार्बन है मेलोनाइल कोएंजाइम ए में से आए हुए कार्बन, ठीक है। ये हो गया पार्मेटिक एसिड का मॉलिक्यूल। यहाँ पर ये 13, 14, 15 एंड 16 कार्बन कंटेनिंग पार्मेटिक एसिड का मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो चुका है। तो ये प्रोसेस थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि यहाँ पर मॉलिक्यूल जो बन रहा है वो भी 16 कार्बन कंटेनिंग या तो फिर 20 कार्बन कंटेनिंग बड़ा सा मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो रहा है, इसीलिए ये सारी प्रोसेस थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। तो क्विकली मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ कि किस तरह से ये रिएक्शन होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले एससीपी वाली साइट पर सल्फाइडल ग्रुप पर दो कार्बन फ्रेगमेंट अटैच हो गए जो कि आए थे एसिटाइल कोएंजाइम ए में से एंड ये दो कार्बन फ्रेगमेंट शुरुआत के फैटी एसिड के जो भी दो कार्बन होते हैं वो होते हैं, बाकी के सारे मेलोनाइल वाले होते हैं। तो यहाँ पर आ गए, फिर वो ट्रांसफ़र हो गए 16 पर। ट्रांसफ़र होने के बाद में यहाँ पर जो वैकेंट साइट थी एसीपी की वहाँ पर मेलोनाइल कोएंजाइम ए अटैच हो गया, ठीक है। अभी जैसे कि मैंने बताया कि फैटी एसिड के स्ट्रक्चर में कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि फंक्शनल ग्रुप के अलावा जो भी हाइड्रोकार्बन चेन है वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं होता, इसीलिए ऑक्सीजन रिमूव करना पड़ता है हमें किसी भी प्रोसेस से। तो ऑक्सीजन यहाँ पर ये है कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में रिमूव हो रहा है एंड ये जो दो कार्बन फ्रेगमेंट थे वो भी यहाँ पर ट्रांसफ़र हो गए। तो आप इस स्ट्रक्चर में देख सकते हैं कि यहाँ पर कार्बन फ्रेगमेंट ट्रांसफ़र हो चुके हैं। अभी हमें ये ऑक्सीजन भी रिमूव करना है, तो इसके लिए सबसे पहले सेल के अंदर होगा रिडक्शन यानी कि हाइड्रोजन ऐड होंगे। तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन ऐड हो चुका है एंड एक हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड हो चुका है एंड ये हाइड्रोजन मिलते कहाँ से है, तो NADPH जो कि डोनर है इस हाइड्रोजन का। अभी यहाँ से OH एंड यहाँ से एक H2O रिमूव हो जाएगा एंड डबल बॉन्ड अल्फा एंड बीटा कार्बन पर इंट्रोड्यूस हो जाएगा। तो ऑक्सीजन तो रिमूव हो चुका है, अभी सिर्फ हमें डबल बॉन्ड रिमूव करना है यानी कि यहाँ पर हम हाइड्रोजन ऐड कर देंगे, फिर से रिडक्शन होगा। तो ये फिर से रिडक्शन होगा दोनों कार्बन पर, अल्फा एंड बीटा दोनों कार्बन पर हाइड्रोजन ऐड हो चुके हैं एंड अभी ये साइट हमें वैकेंट करनी है। तो ये पूरा जो कार्बन फ्रेगमेंट है वो यहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो यहाँ पर ट्रांसफ़र हो चुका है एंड फिर से वैकेंट साइट पर स्टेप नंबर 2 से प्रोसेस की शुरुआत हो सकती है एंड एट द एंड ऑफ द होल द रिपीटेशन हमें इस तरह का मॉलिक्यूल मिलेगा। यहाँ पर एक बॉन्ड था जो कि थायोएस्टरेज एंजाइम इस एंजाइम की मदद से ब्रेक हो चुका है ये बॉन्ड एंड 16 कार्बन कंटेनिंग फैटी एसिड एंड फिर से ये जो फैटी एसिड सिंथेस कॉम्प्लेक्स की ये दो साइट थी वो वैकेंट हो चुकी है। तो इस तरह से फैटी एसिड सिंथेस कॉम्प्लेक्स के दोनों फंक्शनल यूनिट में, याद रखिए वो जो पहला का डायग्राम फैटी एसिड सिंथेस कॉम्प्लेक्स का, ये तरफ के फंक्शनल कॉम्प्लेक्स में ये प्रोसेस हो रही है एंड ये बाजू का जो भी फंक्शनल कॉम्प्लेक्स था 7 एंजाइम का बना हुआ वहाँ पर भी ये प्रोसेस होती है एंड इस तरह से एक डाइमर फैटी एसिड सिंथेस कॉम्प्लेक्स का जो एक यूनिट है, एक मोलिक्यूल है, वो दो फैटी एसिड का एक साथ में सिंथेसाइज कर सकता है, यानी कि एट द एंड ऑफ द होल द रिएक्शंस एंड रिपीटेशंस दो हमें जो भी फैटी एसिड का मॉलिक्यूल
सेल को प्रोड्यूस करना है वो यहाँ पर प्रोड्यूस होगा। तो जैसे कि हमने आगे भी डिस्कस किया था कि एक्सेस कार्बोहाइड्रेट होता है तो बॉडी ये टेंडेंसी रखती है कि वो एक्सेस कार्बोहाइड्रेट को फैटी एसिड में स्टोर कर दे। तो फैटी एसिड में स्टोर करने के लिए जो भी ग्लूकोज था C6H12O6, इस ग्लूकोज के जो भी स्ट्रक्चर में कार्बन थे उस कार्बन को ये सारी प्रोसेस में से पसार करके सेल ने फैटी एसिड में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि ग्लूकोज पाइरुवेट में कन्वर्ट होगा, फिर पाइरुवेट एसिटाइल कोएंजाइम ए में, एंड यहाँ से एसिटाइल कोएंजाइम ए एंड मेलोनाइल कोएंजाइम ए यूज होकर के फैटी एसिड का मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो ये थी पूरी प्रोसेस फैटी एसिड सिंथेसिस की। तीन स्टेजेस में होते हैं, दो स्टेजेस मैंने ऑलरेडी डिस्कस किए, एंड ये तीसरा स्टेज था फैटी एसिड सिंथेसिस का जो कि था रिएक्शन ऑफ फैटी एसिड सिंथेस कॉम्प्लेक्स। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक बटन जरूर दबाएं, ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।